दोस्तों, ये सुपौल ज़िला की मकई की खेती है। इस साल जो है सुपौल ज़िला में बढ़ चढ़ के किसानों ने मकई की खेती की है, पर क्या करें, एक समस्या है। सरकार अपने वादे के अनुसार इन खेतियों पर ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने कहा था, किसान भाई आप फसल लगाएं, मैं डीजल अनुदान ये वो देंगे। फिलहाल कह दिया, फॉर्म भी अप्लाई हो गया है, लेकिन अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला। किसान भाई तड़प रहे हैं पानी के लिए, लेकिन फिर भी नहीं। देखिए कितने सुंदर जो है मकई की खेती है, ये पानी के लिए तड़स रहे हैं। अगर पानी नहीं मिले तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इन खेतियों को देख करके जो है आप इसमें जो है पानी की व्यवस्था करवाएं और अपने वादे को जो है पूरा करें। ये मकई की खेती नहीं तो अब चलिए आपको दिखाते हैं गेहूं की खेती सुपौल ज़िला में किस तरह से है। देखिए भाई, इसमें अभी दूध भी सही से नहीं आया है और पानी के चलते ये सूखना शुरू कर दिया है। सोचिए, ये किसान जो अपना जो लागत लगा करके खेती किया है, इसमें अगर सही ढंग से गेहूं में दाने नहीं आए तो वह क्या करेंगे। ये सब देख के सरकार की नींद नहीं खुल रही है। देखिए किस तरह से जो है गेहूं सूख रही है। देखिए देखिए, आगे भी देखिए देखिए, ये सब पानी के कारण हो रहा है। पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है, नहर होने के बावजूद भी जो है पानी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि नहर सफाई में सभी नालों को तोड़ करके उसमें मिट्टी डाल दिया गया है। अब छोटे छोटे किसान हैं, वह कैसे जो है अपना जो नाला बनवा पाएगा। नाला थोड़ा 100 मीटर 200 मीटर रहे तब ना, ये तो हजारों मीटर का है, 1500 का है, तो कैसे बनवा पाएगा। देखिए किस तरह से सूख रहा है।